वर्ल्ड डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 2024 में एक संयुक्त हाइपरसोनिक प्रयोगों पर काम कर सकते हैं। पेंटागन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग अगले साल जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ एक संयुक्त हाइपरसोनिक प्रयोगों पर काम करने की योजना बना रहा है। यह पूरी रिसर्च इंजीनियरिंग के रक्षा सचिव के साथ 2 दिसंबर को हुई नेशनल डिफेंस फोरम के संवाददाताओं के बीच कही गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बात यही निकल के आई कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हाइपरसोनिक प्रयोगों पर काम करने में बढ़ावा देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल मई में ऑस्ट्रेलिया ने डीओडी के टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए TREX का एक ऑब्जर्वेशन भी किया था, जो कि इंडियाना के कैंप एटरबरी में आयोजित किया गया था। उस प्रयोग के बाद इन दोनों ही देशों ने एक युद्ध अभ्यास भी किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह साझा हाइपरसोनिक प्रयोग इस कड़ी का अगला हिस्सा होंगे। दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के बीच त्रिपक्षीय समझौता, जिसे ऑकस के नाम से जाना जाता है, इस पर भी बात हुई। और यही वजह रही कि दूसरा स्तंभ हाइपरसोनिक के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें जोड़ा गया है। और ऑकस की एक बैठक 1 दिसंबर को ही थी, जिसमें भी इन बातों पर चर्चा हुई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 15 वर्षों से अधिक समय से एक साथ हाइपरसोनिक पर रिसर्च कर रहे हैं। 2017 में इन्होंने हाइपरसोनिक इंटरनेशनल फ्लाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसे हाई फायर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके बाद 2020 में दोनों देशों ने दक्षिणी फ्रांस इंटीग्रेटेड फ्लाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी किया, और अब दोनों ही देश एक नए तरह के हाइपरसोनिक प्रयोगों पर काम करने की इच्छा जता रहे हैं। पेंटागन देशों के लिए अपनी वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं को इंटीग्रेटेड बनाने के लिए इस दिशा पर काम कर रहा है, और इसी के तहत 2024 यानी अगले साल एक किसी द्वीप में दोनों ही देश संयुक्त रूप से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का निर्माण करेंगे, जिसमें हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देश अंतरिक्ष क्षेत्र में भी काफी सहयोगिता के साथ काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि दोनों देश लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक डिफेंस फाइटर जेट है, इस पर भी संयुक्त वार्ता हो सकती है। नमस्कार।